पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित अपमानजनक बयानबाजी से पैदा हुए विवाद के बीच कई मुस्लिम देशों ने भारत के सामने विरोध दर्ज कराया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तबके ने अल्पसंख्यकों के साथ चीन के व्यवहार और वहां मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर मुस्लिम देशों की कथित चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर बयान से पैदा हुए विवाद के बाद भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 5 जून को अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली यूनिट के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बीजेपी ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। पैगंबर मोहम्मद पर बयान से विवाद तब बढ़ गया था जब सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ईरान जैसे देशों ने विरोध जताया। इतना ही नहीं, मुस्लिम देशों के ग्रुप YC ने भारत में अल्पसंख्यकों के सिस्टमैटिक हरासमेंट का आरोप लगाकर चिंता भी जताई थी। हालांकि भारत सरकार ने ऐसे बयानों को खारिज करते हुए साफ कहा कि वो सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इस्लामी देशों की प्रतिक्रिया के बाद एक तबके ने पूछा है कि क्या ये देश चीन के खिलाफ भी इसी तरह की आपत्तियां उठाएंगे, जिसके खिलाफ कई मानवाधिकार समूहों ने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि चीन इन आरोपों से इनकार करता रहा है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से जुड़े प्रोफेसर एमरिटस ब्रह्मा चेलानी ने कहा, कुछ मुस्लिम देश इस्लाम पर चीन के हमले पर चुप रहे हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कैद करना और कुरान को जब्त करना शामिल है। उन्होंने अब सत्तारूढ़ दल से निकाल दिए गए 2 भारतीयों की मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों को हवा दी है। इसके आगे चेलानी ने सवाल किया, क्या ऐसा इसलिए है कि वे भारत को एक नरम देश के रूप में देखते हैं? एक्टिविस्ट और वकील कस्तूरी शंकर ने भी ट्विटर पर ऐसी ही राय रखी। उन्होंने कहा, दुनिया के 2 अरब मुसलमानों की भावनाओं के लिए खड़े होने का दावा करने वाले देश अफगानिस्तान, सीरिया, चीन या बर्मा में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। शंकर ने कहा, हम ISIS या चीन या तालिबान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए TV बहस में एक अकेली महिला को चुन लें। इसके अलावा पूर्व सांसद बलबीर पुंज ने ट्वीट कर कहा, दुनिया जानती है कि चीन अपने अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और तिब्बती बौद्धों के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है। चीन शिनजियांग में इस्लाम और मुसलमानों के साथ सभी मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है। दुनिया में इसके बारे में कोई भी नहीं बोलता है, क्यों? इन सवालों के बीच फिलहाल इस बात पर निगाहें टिकी हैं कि पैगंबर मोहम्मद पर बयानबाजी से पैदा हुआ विवाद आखिर कब थमता है।